तहसील पुलिस ने डकैती की तैयारी में इकट्ठा हुए चार अपराधियों को पकड़ा है। आरोपी शेख सोहेल और भांजा शेख मुख्तार ताजाबाद समक्ष मौते कर गोलीबार चौक वैभव बाघेला मोमिनपुरा सोनू साखरे ज्योति नगर खदान है। उनका साथी संजय होले फरार है। पुलिस को त्रिपिटक बौद्ध विहार के पास आरोपी संदिग्ध अवस्था में मिले। तलाशी लेने पर उनके पास हथियार बरामद हुए और उन्हें गिरफ्तार करके डकैती की योजना बनाने का केस दर्ज किया गया है। हमारे पुलिस निरीक्षक श्री परदेसी और हेड कांस्टेबल प्रमोद सनिवारे, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सेंडे, नायब कांस्टेबल अनिल चतुर्वेदी और उनका स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहा था। तब रात को त्रिपिटिक बौद्ध विहार भानकेड़ा के पास कुछ पांच लोग डाउटफुल स्थिति में बैठे हुए दिखे। हमारे पथक ने उनको घेराव करके ताबे में लिए। उसमें एक युवक वहाँ से भाग जाने में यशस्वी हुआ। जो चार उनके हाथ में लगे वो सब नामदर्ज गुनहगार थे। उसमें एक शेख सोहेल उर्फ भांजा वल्द शेख मुख्तार उम्र 19 साल ताजबाग पी एस सक्करदरा, दूसरा था उसमें वैभव राजू वाघेला उम्र 19 पी एस तहसील मोमिनपुरा, तीसरा था उसमें सक्षम प्रेमनाथ मोमदेकर उम्र 19 साल गोलीबार चौक तहसील, और चौथा था उसमें सोनू ओम प्रकाश साकरे उम्र 32 टिंकी, और जो उनको पूछताछ करने के बाद जो भाग गया उसका नाम संजोग लीलाधर होले उम्र 20 साल टिंकी पी एस तहसील के रहने वाले थे। जो चारों आरोपी को ताबे में ले उनके पास दरोड़ा की प्रिपरेशन चालू थी। उनके पास नकाबपोश के साहित्य मिले और साथ में तलवार और गुप्ती मिले और कुछ कैश मिली। इसलिए वो चारों आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 309/2021 धारा 399/402 के मुताबिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ में उनके पास तलवार गुप्ती मिलने से हत्या कायदा कलम 425 के अंतर्गत भी कलम बढ़ाए उसमें, और विद्यमान कोर्ट से उनको हाजिर करके उनका PCR ली है। फिलहाल वो 26 मार्च तक हमारे PCR में है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पुलिस स्टेशन हुडकेश्वर का एक घरफोड़ी का गुना, पुलिस स्टेशन अजनी का एक घरफोड़ी का गुना डिटेक्ट किया है, और हमें और आशा है कि इनके पास से बहुत से घरफोड़ी के और चोरी के गुने डिटेक्ट होने की शक्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।